गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास नोट फोर चैप्टर नंबर टू। क्लियर? इन क्लास नोट फोर देयर इज अ टॉपिक सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फर्म। क्लियर है? हियर इज सेइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फर्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फर्म इन आवर सिलेबस। हियर प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एंड एक और आता है कंपनी। कंपनी ठीक है। विल ओनली स्टडी अबाउट थ्री थिंग्स, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। क्लियर? नाउ हियर फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द कैपिटल फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। हियर वी विल स्टडी अबाउट द कैपिटल फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर मीन्स अ सिंगल पर्सन, द पर्सन हु इज इंडिविजुअली डूइंग देयर बिजनेस, दैट इज बीइंग कॉल्ड सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मीन्स सिंगल। क्लियर है? अकेला कोई बंदा हो, वो अपना बिजनेस कर रहा हो, अपने कैपिटल इन्वेस्ट, खुद का कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया हो, ठीक है, अलोन, दैट पर्सन इन्वेस्टेड देयर कैपिटल एंड अलोन मैनेजिंग देयर बिजनेस अफेयर, दैट इज बीइंग कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैज बीन स्टडीइंग क्लास 11। ओके, नाउ व्हिच टाइप, किस तरीके से वो सोल प्रोप्राइटरशिप अपना फंड अरेंज करेगा, कैसे करेगा। क्लियर है? ये फर्स्ट पॉइंट कह रहा है स्मॉल स्केल, मतलब वो छोटा होता है, एक सिंगल इंसान होगा तो कितना पैसा रेज कर सकता है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, वो एक स्मॉल स्केल का ऑपरेशन होगा वो। क्लियर है? और वो लिमिटेड फंड होंगे, लिमिटेड अमाउंट के फंड होंगे, और वो क्या करेगा, रिटेन प्रॉफिट वो बिजनेस करता जाएगा, और जो भी उसको प्रॉफिट होता जाएगा वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता जाएगा। हियर रिटेन प्रॉफिट इज मीनिंग दिस कि री इन्वेस्टिंग देयर प्रॉफिट इन देयर बिजनेस, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेन प्रॉफिट। क्लियर है? अदर वर्ड्स में कह सकते हैं इसको नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, मतलब जो हमारा सेल हुआ। क्लियर है? सेल में से जितने भी हमारे एक्सपेंसेज है, क्लियर है, सारे एक्सपेंसेज को लेस कर देते हैं, हमारा नेट प्रॉफिट आता है। क्लियर है? तो उस नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं, वो बिजनेस में अपने री इन्वेस्ट कर देते हैं, वो कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिटेन प्रॉफिट। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। बी पॉइंट इज सेइंग रेजिंग लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेशन और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कहां से फंड रेज कर सकते हैं, फ्रेंड्स या तो खुद का पैसा लगाएंगे, जैसे यहाँ पे बोला स्मॉल स्केल प्रोडक्टिव होता है, खुद का कैपिटल वो इन्वेस्ट करते हैं लेकिन लिमिटेड अमाउंट होता है। क्लियर है? रेजिंग लोन फाइनेंस, फ्रेंड्स एंड रिलेशन लोन ले सकते हैं, किससे, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, एंड दे कैन रेज लोन टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्लियर? अब कहते हैं सी पॉइंट, किस टाइप के लोन ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं, किस चीज के लिए, शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एंड लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्लियर है? शॉर्ट टर्म लोन लेंगे वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मींस द कैपिटल रिक्वायरमेंट इन आवर डे टू डे बिजनेस, मींस डेली बिजनेस में जो हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज बीइंग कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। और फिक्स्ड एसेट्स का होता है जो हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हमारे लॉन्ग टर्म लोन में आता है, वर्किंग कैपिटल हमारे शॉर्ट टर्म लोन में आता है। क्लियर है? डी पॉइंट क्या कहता है, स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंट रिक्वायरमेंट, उनको स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है, कौन देता है, गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी ऑल्सो विल प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंट। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ इनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट कह रहा है बाइंग रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। क्लियर? क्रेडिट बेसिस मतलब उधार खरीदेंगे, किससे उधार खरीदेंगे, अपने सप्लायर से। क्लियर है? रॉ मटेरियल बाय करेंगे, इफ दे आर मैन्युफैक्चरिंग, इफ दैट फर्म इज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न दे विल बाय रॉ मटेरियल, और इफ दैट फर्म इज ट्रेडिंग कंसर्न दैट फर्म विल बाय फिनिश गुड्स। क्लियर? ऑन क्रेडिट बेसिस मतलब उधार परचेज करेंगे सप्लायर्स। ओके, नाउ सेकंड टॉपिक we will discuss capital for partnership business. Okay, now our second topic is capital for partnership firm, means source of capital for partnership firm, source of capital for partnership firm. Clear hai? ye point keh raha hai ki एक पार्टनरशिप फर्म के पास पैसे कैसे आएंगे और कहां कहां से आएंगे। क्लियर है? क्लियर? बिगर देन द सोल ट्रेडर, डेफिनेटली सोल ट्रेडर में सिंगल पर्सन है, पार्टनरशिप मींस टू और मोर देन टू पीपल हु आर जॉइंट टुगेदर टू स्टार्ट अ बिजनेस बीइंग कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। क्लियर?
bigger than the sole trader, partnership capital, partnership partners capital invest their money as per agreed ratio. Clear है? जितना पैसा वे चाहेंगे उतना इन्वेस्ट करेंगे. तो पार्टनर के पास पैसा कहां से आएगा? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर लेके आएंगे. क्लियर है? सेकंड पॉइंट कह रहा है, बी पॉइंट कह रहा है रिटेन्ड अर्निंग. रिटेन्ड मीनिंग्स बिजनेस हो रहा है, ठीक है, और जो प्रॉफिट हो रहा है उसी को वो इन्वेस्ट करते जा रहे हैं. कि हमने सोल ट्रेडर में भी पढ़ा था व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिटेन्ड प्रॉफिट. यानी फर्स्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप हमका इज द सेम, ठीक है. सी पॉइंट इज सेइंग रेजिंग लोन. सोल ट्रेडर में भी रोज लोन हम ले रहे थे बैंकों से, कमर्शियल बैंक से. सेम पॉइंट इज हियर, रेजिंग लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी पार्टनरशिप फर्म को फंड अवेलेबल हो सकते हैं, मिल जाते हैं. पार्टनरशिप आल्सो प्रोवाइड एडवांस लोन. दैट इज द मेन थिंग्स. पार्टनरशिप फर्म आल्सो पार्टनर्स आल्सो प्रोवाइड देयर फर्म एडवांस लोन. यानी जो पार्टनर्स होते हैं अपने ही फर्म को पैसा देते हैं एज अ लोन. फिर फ्यूचर में पैसा कैपिटल नहीं देते हैं, क्या देते हैं? लोन देते हैं. क्लियर है? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर बोथ आर द सेपरेट एंटिटी. क्लियर है? पार्टनरशिप फर्म इज सेपरेट एंटिटी, ठीक है, और पार्टनर्स इज सेपरेट. क्लियर है? तो इसलिए वो पार्टनर्स उसको लोन देते हैं अपने बिजनेस फर्म को. तो यानी पार्टनर्स भी लोन दे सकते हैं. की पॉइंट कह रहा है बाय मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑन इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट बेसिस और हायर परचेज. एक पॉइंट यहाँ होता है हायर परचेज सिस्टम, ठीक है ना. अब जो भी बिजनेस में की रिक्वायरमेंट है प्लांट एंड मशीनरी की, ये कैसे ले सकते हैं? ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस. इंस्टॉलमेंट बेसिस मीन्स सपोज करो अगर कोई चीज 100 रुपीज की है, ठीक है, तो बिजनेसमैन ने क्या किया, पार्टनर ने क्या किया, 25 रुपीज देके रेस्ट 75 रुपीज उसने क्या किया, फाइनेंस करा लिया. किससे? रिलेवेंट फर्म से. जिस फर्म से वो गुड्स परचेज कर रहे हैं उसी फर्म से 75 रुपीज उधार लगा दिया. 25 रुपया देके यानी 25 रुपया देके वो 75 रुपीज क्या किया उन्होंने, क्रेडिट ले लिया. फिर वो मंथली बेसिस पे इस 75 रुपीज को मंथली बेसिस मंथली 10 10 10 और 5 5 5 जैसा भी उनका एग्रीड रेशियो होगा सप्लायर एंड पार्टनरशिप फर्म के बीच में वही अकॉर्डिंग टू वो मैनेज करेंगे. क्लियर है? मतलब सिंपल से मतलब इंस्टॉलमेंट बेसिस हियर मींस दे मेक अ डाउन पेमेंट. क्लियर है? दे मेक अ सम परसेंटेज 10% या 20% मेक अ डाउन पेमेंट एंड द रेस्ट अमाउंट दे वे पे ऑन मंथली बेसिस. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट बेसिस और हायर परचेज बेसिस. क्लियर? यानी इंस्टॉलमेंट बेसिस या हायर परचेज बेसिस वो फंड रेज कर सकते हैं. फिफ्थ पॉइंट इज सेइंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट. शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले सकते हैं. किससे ले सकते हैं? सप्लायर से ले सकते हैं फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स. क्लियर है? ये इज द ऑल द सिक्स पॉइंट इज अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. बिगर देन द सोल ट्रेडर होता है, यहाँ क्या होता है, पार्टनर्स अपने खुद के कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में. क्लियर? री इन्वेस्टमेंट यानी नेट प्रॉफिट को वो दोबारा से इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस में, ठीक है. लोन देस करते हैं किससे? कमर्शियल बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. थर्ड पॉइंट, पार्टनर्स अपने खुद के फर्म को लोन प्रोवाइड करते हैं. क्लियर? ई पॉइंट इज सेइंग बाइंग मशीन इंस्टॉलमेंट बेसिस से भी वो फंड रेज कर सकते हैं बाइंग मशीन या हायर परचेज बेसिस से. फिफ्थ पॉइंट इज सेइंग वो अपने सप्लायर से ले सकते हैं क्रेडिट या उधार ले सकते हैं फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ परचेजिंग रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी स्टार्ट सोर्स ऑफ फंड्स फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी. नाउ हियर द थर्ड पॉइंट इज कैपिटल फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी. क्लियर? Everything is same. There is a little bit differences, but everything is same as we studied in a sole proprietorship business and partnership business. Same is like a joint stock company. Clear? In a simple word, fund सबको चाहिए. Either a sole proprietorship or partnership or company. Clear? He is also talking about required large amount of fund. Definitely, the scope of joint stock company is larger than compared to sole proprietorship or partnership firm. Here is a required large amount of capital through equity share. Equity share is shareholder fund. Shareholder fund. ठीक है? ये कौन होता है? Owner होता है कंपनी का. जितने पैसे जितने रेशियो इनके पास होंगे, जितने शेयर होंगे कंपनी के उतने शेयर के उतने परसेंट के ये ओनर होंगे. दिस इज ऑल्सो ओन कैपिटल. ठीक है? इसको हम कहते हैं इक्विटी शेयर्स. इन द फॉर्म्स ऑफ इक्विटी शेयर्स द कंपनी कैन रेज larger amount via market through market. Second part also saying retained earning. Retained earning कैसे company करती है? Reserve and surplus से करती है. Same thing retained company retained profit is here as we studied in a
as we discussed in partnership and sole proprietorship. Now C point is saying borrowed capital. वही borrowed capital loan, simple सी बात, loan ले सकते हैं या debenture ले सकते हैं. ये debenture topic we will study in our next we will study in our third chapter in detail what is the meaning of debenture. Clear है? There are two new things. One is new things a debenture और एक है आपका equity share. ठीक है? ये दोनों concept हम अपने थर्ड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. क्लियर है? नो डी पॉइंट इज सेइंग लॉन्ग टर्म फंड सेम थिंग जो आपके इक्विटी जो आपके सोल प्रोपर्टी और पार्टनरशिप में था. लॉन्ग टर्म फंड रेज कर सकती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और शॉर्ट टर्म फंड रेज कर सकती है बैंक से. क्लियर है? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑल्सो हैविंग फोर सोर्स ऑफ रेजिंग कैपिटल फंड. फर्स्ट पॉइंट इज ओन फंड लाइक इक्विटी शेयर. सेकेंड पॉइंट इज रिटेन अर्निंग. ठीक है? रिटेन अर्निंग वही अपने ही प्रॉफिट को कंपनी में री इन्वेस्ट करना. और सी पॉइंट इज सेइंग बोरोड कैपिटल. बोरोड कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड डिबेंचर्स. एंड डी पॉइंट इज सेइंग लॉन्ग टर्म फंड ले सकती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और शॉर्ट टर्म फंड ले सकती है फ्रॉम बैंक से. ओके डियर, थैंक्स.